देखिए बच्चों, आज प्रश्नावली 2.2 हम देखेंगे और सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम एक एक करके सवाल ले रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल लेंगे पहले का पांचवा, टी की घात 2-15। देखिए कैसे हल करेंगे इसको। टी की घात 2-15, ये बहुपद हमें इसके शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है तथा इसका शून्यक भी ज्ञात करना है। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हम बहुपद को सबसे पहले शून्य के बराबर रखते हैं। आप इसे लिखेंगे टी की घात 2-15 का वर्ग, क्योंकि किसी भी संख्या पर वर्गमूल लगा के आप वर्ग लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं दो वर्गों का अंतर बन गया, तो ये हो जाएगा टी माइनस वर्गमूल 15 गुणा टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे, टी माइनस वर्गमूल 15 बराबर 0 और टी प्लस वर्गमूल 15 बराबर 0। ये रखने के बाद आप यहाँ इन दोनों को अलग अलग शून्य के बराबर रखोगे तो आपके पास टी बराबर माइनस वर्गमूल 15 निकलेगा और टी बराबर प्लस वर्गमूल 15 आपके पास निकल आएगा। तो बहुपद के शून्यक जो निकल कर आए वो क्या क्या निकल के आए, शून्यक निकल के आए वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15। दो बहुपद के शून्यक निकल आए। बहुपद क्या था हमारे पास, टी स्क्वायर माइनस 15 आपके पास बहुपद था। इस बहुपद के द्विघातीय बहुपद के हमने दो शून्यक ज्ञात कर लिए। तो आप समझ गए होंगे किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद को ही शून्य के बराबर रख लिया जाता है, एक द्विघात समीकरण बन जाती है। उसे मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके या दो वर्गों का अंतर बना के हम उसे हल कर लेते हैं। अब हमें शून्यांकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बहुपद, द्विघात बहुपद इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर एक्स, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सवाल टी में दे रखा है, तो हम इसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी की तरह कोई बहुपद होता है और बहुपद है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब आप इसमें गुणांकों की तुलना करिए। देखिए ए का मान यहाँ टी स्क्वायर गुणांक 1 है, बी का मान यहाँ पर बी है ही नहीं और सी बराबर यहाँ आ जाएगा 15। ये ए बी सी, ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान माइनस 15, ये तुलना करके आ जाएगा गुणांकों की। अचर पद देखिए 15 के बराबर है, टी का जो गुणांक है टी स्क्वायर का वो है और यहाँ टी का गुणांक है ही नहीं, इसलिए हमने बी को 0 लिया है। आप समझ गए होंगे ए बी सी का मान। अब हम निकालेंगे सबसे पहले शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो निकलेगा, तो शून्यक थे हमारे पास 1 था वर्गमूल 15 और 1 था वर्गमूल माइनस 15, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 15 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल 15 और ये आ गया शून्य। ये तो निकाला हमने शून्यकों का योग। इस शून्यकों के योग में मैं खाली योग लिख रहा हूँ, आप समझ जाना शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग हमारे पास शून्य आया था, इस शून्य को मैं लिख सकता हूँ 0/1। और ये शून्य क्या है आप देख रहे हैं, शून्य है यहाँ पर बी और ये क्या है ए, और आप चाहो तो शून्य के पीछे माइनस भी लगा लो तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, क्योंकि मुझे यही संबंध स्थापित करना है कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस एक्स, यानी एक्स नहीं क्योंकि सवाल टी में है, माइनस टी का गुणांक, यही तो था हमारा संबंध, बटे टी की घात 2 का गुणांक। वैसे बच्चे यहाँ टी का गुणांक, टी की घात 2 का गुणांक याद नहीं रखते, वो यही याद रखते हैं कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। शून्य को, एक शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्य को बीटा कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये आपका संबंध होता है जो हमें स्थापित करना होता है, यानी शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध। आगे से हम मूल को हमेशा जो शून्य होंगे एक को अल्फा कहा करेंगे, दूसरे को बीटा, और केवल यही स्थापित करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अब अगला है शून्य को गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य का गुणनफल जो आएगा वो आप जानते हो शून्यक हैं वर्गमूल 15 और गुणा माइनस का वर्गमूल 15, तो माइनस यहाँ शुरू में आ जाएगा और वर्गमूल 15 की वर्गमूल 15 से गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा। तो शून्य का गुणनफल आया माइनस 15। इस शून्य को गुणनफल को
मैं खाली यहाँ आगे गुणनफल लिख रहा हूँ, आप पूरा शून्य को गुणनफल समझना उसको, क्योंकि बोर्ड में जगह कम है यहाँ। गुणनफल आया है आपका -15। -15 को लिखा जा सकता है -15/1। और -15 क्या है? सी। और ए क्या है? ए। और सी क्या होता है? अचर पद। बटे ए क्या होता है? टी की घात 2 का गुणांक। तो शून्य को गुणनफल आपने सिद्ध कर दिया यहाँ पर, शून्य को का गुणनफल बराबर अचर पद बटे टी की घात 2 का गुणांक। और आप जानते हैं शून्य को अगर मैं अल्फा और बीटा कहूँ तो मैं इस संबंध को इस तरह भी लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा। मैं यहाँ दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर, ये मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये आपका शून्य को का गुणनफल था, यानी ये प्लस था शून्य, फिर मैंने प्लस लिख दिया है। शून्य को गुणनफल मतलब गुणा, ये याद रखेंगे आप, शून्य को गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सिद्ध करना है और अल्फा बीटा बराबर c/a सिद्ध करना है। हमेशा अब हम इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, यही शून्य को गुणांकों के बीच संबंध है, जिसमें अल्फा और बीटा शून्यक हैं और b और a उनके गुणांक हैं और c उसमें अचर पद है। b घात 2 का गुणांक होगा और a घात 1 का गुणांक होगा और c अचर पद होगा। आइए अब अगले सवाल पर हम बात करते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 6x²-3x-7, पहले का तीसरा पार्ट, केवल यही सवाल और कराएंगे, बाकी आप स्वयं करेंगे। 6x² सवाल लिखा है, 6x²-3-7x। तो सबसे पहले तो इस बहुपद को हम घातों के घटते हुए क्रम अर्थात 6x²-7x-3 के रूप में लिखें। अब हम इसके गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, हम देख रहे हैं अचर पद है इसमें -3, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, अचर पद इसका -3 है ये, और x की घात 2 का गुणांक 6 है। तो सबसे पहले अचर पद और x की घात 2 के गुणांक की गुणा करो, 6 × 3 = 18, निशान है माइनस का, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे 6 × 2 माइनस, मध्य पद की जगह ब्रैकेट लगाते हैं, यही सवाल को हल करने का तरीका। अब 6 × 3 = 18 के ऐसे टुकड़े, अब अचर पद का निशान माइनस का और 3 का निशान माइनस का है, तो अचर पद का निशान ब्रैकेट में लगा दें। अब अचर पद और x की घात 2 की गुणांक की गुणा करिए, 6 × 3 = 18 के ऐसे टुकड़े आने चाहिए जो घट के मध्य पद आ जाए, यानी 7 आ जाए। 18 के ऐसे टुकड़े हुए, 9 × 2 = 18, 9 माइनस। अब इस माइनस को इसके अंदर डाल दीजिए, चलिए तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6x²-9x+, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x और साथ में आखिर में बच रहा है -3। इनमें जोड़े बना लीजिए, इसका जोड़ा अलग और इसका जोड़ा अलग, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3x, तो हमारे पास बचेगा 2x-3, यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा 2x-3, यहाँ से आप 2x-3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x+1। ये आपने कुल मिला के इस बहुपद के गुणनखंड कर दिए। क्या बहुपद था हमारे पास, 6x²-7x-3 बराबर, इसके गुणनखंड निकल कर आए हैं 2x-3 × 3x+1, 2x-3 × 3x+1। अब इनके शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो गुणनखंड आए उन्हें दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, यानी हमें यहाँ पर
2x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा और 3x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इस समीकरण को जब हल करेंगे तो x का मान 3/2 आ जाएगा और इस समीकरण को हल करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा। यानी हमारे पास जो शून्यकाएँ हैं वो शून्यकाएँ हैं 3/2 और माइनस का 1/3, ये दो शून्यक हैं। अब इन दोनों शून्यकों का योग निकालो, यानी एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर पहले वाले शून्य को हम कह देंगे अल्फा, ये वाला अल्फा हो जाएगा, और दूसरा वाले शून्य को हम कह देंगे बीटा, ये बीटा हो जाएगा। आप मैं यहाँ संभाल कर लिख देता हूँ, ये आएगा अल्फा बराबर पहला वाला 3/2 और बीटा बराबर दूसरा वाला माइनस का 1/3। ये दो शून्यकों के मान होंगे, इनको आखिर में लिख लेंगे आप। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं, कितना माना था हमने 3/2 और बीटा का माइनस 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, तो कुल मिला के ये आ गया 3/2 माइनस 1/3। अगले स्टेप में अल्फा प्लस बीटा फिर से लिखना पड़ेगा, वो 3/2 माइनस 1/3, इनका ले लीजिए एलसीएम 6, 2 × 6 3 × 9 3 × 6 कितना आ गया भैया, ये 7/6। क्या आया है, ये शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाल दिया है यहाँ पर 7/6। अब हम निकालेंगे, क्योंकि शून्य गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध निकालना है, तो हम निकालेंगे यहाँ माइनस b/a का मान। और b का मान, a का मान कहाँ से आएगा भाई, हमारे पास ये बहुपद था सबसे पहले, ये 6x² माइनस 7x माइनस, इसमें x की घात 2 का जो गुणांक होगा वो a होगा, a बराबर 6 होगा, b बराबर x का गुणांक माइनस 7 होगा और c बराबर माइनस 3 होगा। ये अंडरस्टूड है, ये बराबर बताने की आवश्यकता नहीं है कि x की घात 2 का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो यहाँ पर माइनस b/a, तो हम देख रहे हैं कि b का मान कितना था माइनस का 7 और a का मान कितना था जो x का गुणांक 6, तो ये माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7/6। और आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था 7/6, इसका अर्थ क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया किसके, माइनस b/a के। यही तो हमें सिद्ध करना था कि मूल शून्यकों का योगफल बराबर है माइनस b/a यानी माइनस x का गुणांक बटे अचर पद। इसके बाद अगला हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। आप इसी सीक्वेंस में सवाल को लिखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है अगर, तो शून्य गुणनफल हो गया अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना था 1/3, देख लेते हैं अल्फा का मान, अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है माइनस 1/3, तो 3/2 और 1/3 हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान माइनस का 1/3, और यहाँ 3 × 3 कट जाएगा, आपके पास उत्तर आ जाएगा माइनस का 1/2 अल्फा बीटा का मान। चलिए अल्फा बीटा का मान निकला है, अब निकालेंगे c/a, c का मान कितना है माइनस का 3, a का मान कितना है 6, ये कितना आ गया भैया कट के माइनस 1/2। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा का जो मान आया था वही c/a का मान आया। तो ये हमने तो संबंध जो होते हैं शून्यकों के योगफल माइनस b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a दोनों को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। यही शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है जिसको ये ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो पहले पार्ट में इसने शून्य ज्ञात करने के लिए कहा था और दूसरे पार्ट में इसने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए कहा था, जो दोनों काम हम कर चुके हैं। आइए इसका अगला सवाल देखते हैं।